इसीलिए थोड़ी फट रही है। आइए आइए आइए। मेरे बिना कैसे शुरू कर दिया तुमने कबड्डी का मैच बेटा। चलो अब आया ही हूं तो कुछ तो करना चाहिए ना। वैसे आप ले, अरे अरे प्रभु देवा भी आए हुए हैं, मतलब अब तो चलिए आप लोगों ने मेले का माहौल तो देख लिया, अब पिंटू शुक्ला आए हैं तो एक कबड्डी की रेड तो बनती है ना बॉस। कर लू एक रेड। अरे ठीक, अच्छी फोटो यार, ऐसे करो। आओ आओ, आगे आओ ना, फोटो लेनी तो आगे आओ। आओ 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 आओ। चलो भैया, अच्छा इज्जत की बात है, फैमिली वाले मीडिया वाले फोटो अच्छी आनी चाहिए तो हाँ संभाल लेना। हाँ कबड्डी 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 हरना कबड्डी 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 कबड्डी। यार टाइम पास करा था, तुम लोग ने तो पसीने निकाल दिया। हेलो हेलो मैडम, हेलो। इतने सारे लोग, अरे प्रभु सर भी आए हैं, मैंने पहले बोल दिया। हेलो ओके, बहुत हो गया ये कबड्डी कबड्डी। आप लोग आए हैं हमारे मेले में इतने दूर से, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, वाह। तो आप ये बच्चों का खेल देखने आए हैं? मैं बच्चा हूँ। मथुरा की असली स्टार कहाँ है? टैलेंट का पूरा गोदाम कहाँ है? यहाँ आपके सामने खड़ी है और आप ये बच्चों का खेल देख रहे हैं, बहुत हो गया। अच्छा सुनिए, आप इधर आइए, थोड़ा प्यार से बुलाओगे? इधर आइए ना। माइसेल्फ पिंटू, राधिका, नाइस टू। अच्छा मुझे ना आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। हाँ हाँ बताइए। लड़कियों को, लड़कियों की हेल्प करना तो भी। हो गया? हाँ। तो वो बात क्या है ना? हाँ, कि क्या बात है? जात मरा तब जानियो जब तेरे भी होले। हैं जी, राधे राधे बेबी, राधे राधे। अरे क्या कल के लौंडे से हेल्प मांग रही हो? हमसे तो पूछ के देखो। ये जाट 24 घंटे 24/7 आपके मदद के लिए यूं लेटा रहेगा। अरे भाई साहब, लेट तो बाद में जाना, लेकिन ये जलेबी वाले रह जलेबा, मिर्ची क्यों घोल रहे हो आप? बोला चले पे। अच्छा 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 अच्छा, इससे पहले कि आप दोनों अपना तेवर फुल वॉल्यूम पर दिखाएं, जिस वजह के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो कर ले। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी प्रेजेंट टू यू हमारे तेवर। अरे फोटो वाले नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ। कास्ट के साथ साथ पूरी कास्ट एंड क्रू को यहाँ बुलाना बनता है, और क्रू में सबसे पहले मे आई इनवाइट ऑन स्टेज द कैप्टन ऑफ द शिप। Ladies and gentlemen, put your hands together for Amit Sharma, the director of the movie. Film ke piche. Amit Sharma on stage. Jo style mein chal ke aa. Yaar hum bhi apne zamane ke actor reh chuke hain. Urda taaliyan yaar, come on. I want to see your hands up in the air. Chalo. कपूर साहब भी हैं। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, सुनील मनचंदा साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, प्रोड्यूसर साहब हैं देवर फिल्म के। वेलकम सर।
और अब मैं बुलाने जा रहा हूं स्टेज पे मिस्टर सुनील है ना जोश। So let's have a big round of applause for the entire cast and crew of the movie Tewar. Come. Chaliye. Thank you so much. Shukriya. Just want to say one thing. It's very impromptu on my end. आप सब बैठ जाइए. बहुत time चलने वाला है. बहुत बातें करने वाले. Hopefully in a deserving position. I just want to thank each and every person affiliated to give this opportunity for my dream of a 5-year-old kid that I was to get fulfilled today. I'll never get to say this ever again. I don't know when I'll get these opportunities. So. Thank you everybody who's helped us put Tewar together. Thank you each and every person. And today I can finally sit with my father on the stage and talk about work. And with Sanjay Chachu and Jahan and everybody concerned with this film. So I'm really, really happy. And thank you everybody for coming out here and making this event a success. I don't know the fate of the film, but I'm really happy today. I just wanted to share that with everybody. And now I can stop talking. Let me... add one thing. He said, I don't know when I will get another opportunity. You've got to be with the family. You've got to be with me. You've got to be with all of us. And we are going to make many more films together. So there'll be many more opportunities. This is just the beginning. Kya baat hai? Isi baat ko aage le jaate huye, Amit, aapke liye ek sawal hai. You are the captain of the ship. Aapne direct kiya hai. Arjun ko, Sonakshi ko, Manoj ji ko, and puri team ko. अब मेरे को ये बताएं कि फैमिली की जब बात होती है बोनी सर के साथ संजय सर के साथ पहली कोलैबोरेशन तो कितनी जिम्मेदारी